आते हैं स्कूल से बेटा। एक कटोरी रिफाइंड डाल चुके हैं हम, अब इसमें एक कटोरी दूध घी डाल रहे हैं इसी में। इसको डाल दिए, अब थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये हमारा एक कटोरी सूजी है, ये सूजी इस सूजी को उठा कर हम उसमें ऐड करेंगे। सूजी थोड़ा मोटा है बाजार का, इसलिए हम जो बाजार में आता है उसे, इसलिए हम इसको दो मिनट घी में डालने के बाद, दो मिनट पहले डाले हैं, दो मिनट इसको धीमा दाम में पकाएंगे। बेसन बारीक है इसीलिए सूजी पहले डाल करके हम इसको इस तरह से, अब इसको बेसन का बर्फी या मनचली बर्फी भी कह सकते हैं। इसको डालने के बाद खुशबू बड़ा प्यारा आने लगा। इसको दो मिनट चलाने के बाद हम, अब इसमें डालेंगे हम दो कटोरी बेसन। ये कटोरी बेसन है, इसी कटोरी से दो कटोरी बेसन हम ऐड करेंगे। ये एक कटोरी बेसन हम ऐड कर दिए हैं, एक कटोरी और लेके हम इसमें ऐड करेंगे। अब वजन में दोनों का आते हैं तो लमसम 100 ग्राम सूजी और 250 से 300 ग्राम बेसन। टोटल बेसन का वजन हो गया है सूजी या बेसन का 400 ग्राम। अब इसको हम बहुत धीमा दाम में इसको हम भूजेंगे, लमसम 20 से 25 मिनट इसको हम धीमी दाम में एकदम आराम से भूनना है, जब तक पूरा सोना सोना और थोड़ा कलर इसका चेंज ना हो जाए तब तक हम इसको भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा हम घी और यूज करेंगे, 400 ग्राम है तो लमसम 350 ग्राम से 350 से 400 ग्राम। आपका जो भी है चीज़ में बना रहे हैं, आप शुद्ध घी में बना रहे हैं तो शुद्ध घी या रिफाइन में बना रहे हैं तो रिफाइन में, ये उतना ही जितना बेसन और सूजी है उतना ही क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा, वो भी घी या रिफाइन जो भी बना रहे हैं उसमें, तो दोनों मिला के बना रहे हैं। इसीलिए 150 ग्राम शुद्ध घी डाले हैं और 100 ग्राम 200-250 ग्राम रिफाइन, या फिर थोड़ा सा रिफाइन ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें डालने के बाद आराम से, थोड़ा सा ढीला हो गया, इसको भूनने में चलाने में आसान होगा। ये हमारा 250 ग्राम घी, आपका रिफाइन था 150 ग्राम घी। अब इसको धीमा दाम में 10 से 15 मिनट एकदम धीमी दाम में चलाते रहना है, चलाते चलाते ही आपका कलर चेंज हो जाएगा और आपका सोना सोना खुशबू आने लगेगा। तो आपका ये भुजा गया, जैसे जैसे भुजा गया वैसे वैसे इसका कलर चेंज होते रहेगा। अभी थोड़ा पीला बन गया, भुजाने के बाद ये अपने जो अभी फन रहा ये जो फैन फैन हो रहा है उसका बंद हो जाएगा। इसीलिए हम आराम से इसमें भुजने में ढिलाई नहीं देना है, कसर नहीं करना है, एकदम आराम से भुजना है। ध्यान दे देना है कि चलाना बंद नहीं करना है, चलाना अगर बंद कर देते हैं तो बेसन कहीं जल जाएगा कहीं, इसलिए इसका फ्लेवर बहुत ख़राब आ जाएगा। इसीलिए एकदम धीमा दाम में आराम से इस तरह से चलाते रहना, जैसे जैसे भुन जाएगा वैसे वैसे सोना सोना खुशबू, बहुत प्यारा खुशबू आएगा इसका। ये बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब बर्फी बाजार में बिकता है। हलवाई की दुकान में जाइए तो बोलिएगा बेसन का बर्फी या मनचली बर्फी दीजिए, कोई ज़्यादा कॉस्ट किसमें नहीं गिरता है। अगर बाज़ार जाते हैं शुद्ध घी का बर्फी लेते हैं बेसन चीनी का तो 450-500 रुपये किलो देगा, तो आपका घर में ये 250-300 किलो में पड़ जाएगा आपको आराम से, और घर का सामान शुद्ध रहता है, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। हल्का हल्का भुना है, भुनाने के बाद थोड़ा सा कलर चेंज हो गया हमारा, ये थोड़ा और कलर चेंज होगा। देखिए हमारा ये लमसम भुना हुआ बेसन तैयार हो गया, सूजी बेसन का ये भुना तैयार हो गया, कलर भी चेंज हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि हमको कैसे पता चलेगा तो थोड़ा सा हाथ में ठंडा पानी लीजिए, आहिस्ते आहिस्ते छिटिए, छंद आवाज़ करेगा आपका, ये हलवा का सिगरेट हुआ।
इधर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया है कि कलर तो पीला ही लग रहा है, कलर कुछ नहीं चेंज है। इसे चिपका हम लोग को कलर पता चल जाता है कि चेंज हो गया है, इसीलिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसको थोड़ा सा पानी और फैनाना, जो स्टार्टिंग में देखे थे फैन फैन हो रहा था, फैनाना बंद हो गया है। इसको एक मिनट और थोड़ा इसी धीमा दाम पका के गैस को फ्लेम बंद कर देंगे। ये हमारा तैयार हो गया है, इसको हम बंद कर देंगे। अब इसको ध्यान देना है कि जब तक इसमें गर्मी गैस बना हुआ है इसको थोड़ा चला लेना, नहीं तो ऐसे ले जाकर छोड़ दिए तो नीचे लाल हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा चला चला के गैस निकाल लेना, इसका गर्मी निकाल लेना है, ये बात का ध्यान देना है। अब जब थोड़ा सा ठंडा जाएगा तो हम इसमें आधा चम्मच छोटा चम्मच से इलायची पाउडर ऐड करेंगे, इसमें हम दिखा देंगे। अब इसको जितना देर में ये ठंडा हो रहा है इसलिए चाशनी का सीरा बना लेते हैं। हम एक पैन लिए, पैन में हम एक कटोरी पानी डालेंगे गर्म होने के लिए, इस तरह से इसको हम भर लेंगे। भरने के बाद 400 ग्राम हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। देखिए हमारा चीनी एक कटोरी 450 ग्राम, मतलब जितना क्वांटिटी में है उससे थोड़ा मीठा बना सकते हैं। तब एक किलो में ये जैसे 500 ग्राम है तो 3 पाव चीनी आप ऐड कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा मीठा चाहिए तो 1 kg दे दीजिए। लेकिन ये जितना है उतना में हम 400 ग्राम में 400 ग्राम चीनी ऐड कर रहे हैं। इसको उसी प्रकार जैसे चीनी गलाएं वैसे इसको भी गला लेंगे हम। इसको अच्छे तरीके से चला के गला लेना है। ये देखिए हमारा चीनी गल गया है, इसका भी उसी तरह पका, देखिए गंदगी नहीं है, साफ है चीनी एकदम। चाशनी को हम 2 से 3 मिनट खोलाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर जो बताए थे हम आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं, जो फ्लेवर इसका अच्छा आएगा। अब इसको इलायची डालने के बाद इसको हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, अब इसमें थोड़ा सा हम कलर दर डालेंगे, देखिए इस तरह से ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा एक चुटकी, इसको हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से। कलर मिलाने के बाद इसका चेंज हो जाएगा, देखिए नजर नहीं आ रहा है, इसमें सीरा डालेंगे तो फायदा नजर आएगा कलर इसका। अब देख लेते हैं चाशनी का क्या है, चाशनी भी हमारा हो चला है, देखिए चाशनी गाढ़ा है, ज्यादा पतला नहीं है, इसको हम देखिए इस तरह से मोटा मोटा अच्छा निकलेगा, तो समझिए चाशनी ये आपका बर्फी बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। चाशनी को ज़्यादा पतला नहीं रखना है, देखिए इस तरह से गाढ़ा पता चलता है, इस तरह से उठाइएगा आपको अच्छा उठाइए, जिस बर्तन से उठाइए तो आपको मोटा मोटा जैसे इस तरह से लच्छा नज़र आ रहा है, देखिए इस तरह से आपको लगेगा, इसीलिए हमारा चाशनी हो चला है। इस तरह से उठाइएगा तो आपको मोटा मोटा लच्छा लास्ट में बूंद बूंद जो गिरता है आपको पता चलेगा ये मोटा मोटा, इस तरह से आपका चाशनी हो गया। हम इसको निकालेंगे, ये हमारा चाशनी तैयार हो गया। ये हमारा जो बेसन है इसमें अब हम इसको चढ़ा करके इसमें ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा फ्लेम बार करके
जैसे आप हलवा में देते हैं तो चलाते हैं ना इस तरह से, हम इसको डालने के बाद थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक बार के लिए डालेंगे इस तरह से, फिर डालेंगे, फिर डालने के बाद फिर थोड़ा मिला लिए, फिर थोड़ा डाल दिए। देखिए हमारा डालने के बाद फैन थोड़ा सा गर्म में है, ऐसे चलेगा, फिर थोड़ा थोड़ा मिला करके ये हमारा चाशनी। ये हमारा चाशनी लग जाएगा सारा, सारा डाल देंगे, थोड़ा ज़्यादा लगता है तो थोड़ा रख लेंगे, बचा लेंगे हाथ में, उम्मीद है कि सारा ही लग जाएगा, इसलिए एक बैग नहीं डालना है। इसको हम डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसको भून लेंगे, आप चाशनी नहीं डालेंगे। देखिए जो चाशनी डालने के बाद जो फैन फैन हो गया वो आपका कम हो जाएगा, और उसके बाद हम एक बर्तन में जमा देंगे सेट होने के लिए। देखिए इसके बाद जब हो जाने के बाद ये बेसन और सूजी चाशनी डाल लेने के बाद थोड़ा सा आपका ये सेट हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, और जैसे घर में कढ़ाई छोड़ देगा कि आपका तैयार हो गया। थोड़ा सा बताएं 2 से 3 मिनट भूनना है इसको डालने के बाद। पहले का कलर जिस समय डाले थे नहीं सेट हुआ था, तो फैन उधिया उफना उफन रहा था, फैना फैना था हल्का, थोड़ा टाइट हो गया, इसलिए इसको हम बुता देंगे। बुताने के बाद इसको हम गैस निकालेंगे, नीचे उतार करके चलाएंगे थोड़ा सा, और देखिए इस तरह से हम चला करके इसको गैस निकाल लेंगे। ये तैयार हो गया है, इसको आराम से सब पूरा गैस निकाल चुके हैं। गैस निकालने के बाद इस तरह से जैसे जैसे गैस निकलेगा थोड़ा सा हवा लगेगा इसमें तो थोड़ा टाइट होगा, इसीलिए हम गैस बहुत बढ़िया से निकाल लेंगे। और गैस निकालने के बाद हम इसको एक बर्तन में इसको जमा लेंगे, थोड़ा सा घी लेकर के इसको चारों बगल इस तरह से हम चारों बगल से घी लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमारा तैयार हो गया है, अब इसको हम इस बर्तन में सबको खाली कर लेंगे। इस तरह से सबको, ये हमारा 3 से 4 घंटा हो गया, ये बिल्कुल बेहतरीन एकदम अच्छा से ठंडा किया। अब इसमें हम जो हम सिल्वर पेपर साटेंगे, इसको तबक भी कहते हैं, इस तरह से लेंगे साटेंगे। देखिए इस तरह से साट दिए हम, इसमें इतना में 4 तवक हमारा लगेगा। देखिए इस तरह से हम तवक लगा दिए बढ़िया से, अब इसको कोई सूती कपड़ा से या उसी सूखा पेपर से इसको बढ़िया से दाब देंगे कि चाकू में सटे न। देखिए इस तरह से रख करके आप आराम से दाब देंगे, देखने में खूबसूरत लगने लगा है। आप जब हम कटिंग करेंगे तो चाकू में नहीं सटेगा, इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए इस तरह से हम पहले एक एक करके हम Yeah.
स्क्वायर में लंबा लंबा काटने के बाद इसको थोड़ा त्रिकोण करके हम कटिंग करेंगे। ये हमारा बर्फी आपका बेहतरीन लाजवाब दुकान जैसी हलवाई की बेसन की बर्फी तैयार हो गया। अब इसको किसी त्यौहार किसी फंक्शन में आप यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठेकेदार।